जी आपका नाम और किस पार्टी से खड़े हुए हैं थोड़ा सा इसका बताइए। मेरा नाम रोहित है, मैं आदर्श समाज पार्टी से 89 उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ जो जिसपे की उपचुनाव हो रहा है। तो क्या क्या मुद्दा है आपका, क्या 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 करेंगे अगर बन गए बाई चांस? अगर जनता मुझे 89 से अगर MLA चुनकर विधानसभा में पहुंचाती है तो मेरा पहला मुद्दा होगा विकास का। इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने कहीं कोई विकास कार्य नहीं किया, किसी भी दलित बस्ती में विकास कार्य नहीं किया, उन्होंने केवल जो विकास कार्य किया था वो पॉश इलाकों में किया था, कमला नगर मदिया कटरा जैसी पॉश कॉलोनियों में उन्होंने विकास कार्य किया। दूसरा मुद्दा होगा मेरा अपने मजदूर श्रमिक भाइयों के लिए जो कि जूते की फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनको 5,000 रुपये मिलते हैं महीने पर, और उनकी जो सैलरी है श्रम आयुक्त के यहाँ 15,000 रुपये दिखाई जाती है, और श्रम रोजगार मंत्रालय में ना उनका PF कटता है ना फंड कटता है। इससे पूर्व में भी मैं कई फैक्ट्रियों का मुद्दा उठा चुका हूँ, मेरे साथ में डॉक्टर चंद्रपाल जी ने मुहिम भी की थी, तो कुछ फैक्ट्री वालों को सबक भी मिला है उससे। जैसे कि मैं एक कंपनी में काम करता था उसको भी मैंने डॉक्टर साहब की मदद से और मेरे साथियों के सहयोग से तो उसमें देखा कि PF हमारे मजदूर श्रमिक भाइयों का किसी महीने कटता है किसी महीने नहीं कटता है, ना उनको बोनस मिलती है कोई, तो मेरा फोकस जो रहेगा वो श्रमिक मजदूरों पे रहेगा, अपने जितने भी मेरे जूते के कर्मचारियों के मेरे भाई हैं उन पर मुख्य उद्देश्य रहेगा मेरा अगर मुझे असेंबली में भेजते हैं तो। तीसरा मुद्दा रहेगा मेरी विधवा माताओं के लिए, विधवा माताओं इतनी परेशान है बेचारी, इनको कोई पेंशन नहीं मिलती है, जैसे कि हमारे आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज़ भी उठाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि हर विधवा माँ को कम से कम 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। ताली, ताली। 200 रुपये में क्या होता? वो भी कहाँ जी, वो भी कहाँ मिलता? और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आदर्श समाज पार्टी गरीबों के साथ है, और मैं एक गरीब प्रत्याशी हूँ तो मैं गरीबों का ही पहले विकास कार्य करूँगा और गरीबों की सारी समस्याओं को हल करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रपाल है, IAS रहा हूँ 41 साल और भारत सरकार का सचिव से रिटायर हुआ हूँ। मैंने पदों को छोड़ते हुए अपने गरीब भाइयों की जो आगरा के थे उनकी सेवा करने का बीड़ा उठाया है, और मैं तीसरी बार अभी MP का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। यद्यपि यहाँ के जाटव भाइयों ने ये समझा कि चंद्रपाल तो IAS रहे हैं इनके पास बहुत धन होगा, मगर मैं गरीबी के गरीब हूँ, ये मैं बात बताना चाहता हूँ अपने समाज को। मेरे पास धन नहीं है मगर दिमाग है, बड़े बड़े नेशनल पार्टीज वाले सब खींचते थे अपनी तरफ के, मेरी पार्टी में आ जा मेरी पार्टी में आ जा, सब कुछ आए। दिग्विजय सिंह मेरे घर पर आए थे, ये आपके राजनाथ सिंह ने कहा, अटल जी ने कहा, सब ने कहा, मगर मैंने समझा अपनी पार्टी के साथ जाना चाहिए। अपनी पार्टी ने कोई लिफ्ट नहीं दी और गरीबों के प्रति दूर भक्ति गई, इसलिए मैंने आदर्श समाज पार्टी बनाई 2009 में। 2009 में तब से मैं पूरे देश में आदर्श समाज पार्टी, आदर्श समाज पार्टी का मतलब है आदर्श समाज बनाना है। आदर्श क्या है? आदर्श मानव हो, अच्छे गुण हो, संपन्न हो, जो भगवान बुद्ध ने शुरुआत किया था, पंचशील का अनुकरण करे, दया करुणा प्रेम मैत्री के ऊपर आधारित हो, और साथ ही मानव एक समाज में विश्वास करे और सबका किसी का शोषण न हो, हर एक वर्ग का ख्याल रखा जाए, जियो जीने दो वाला सिद्धांत हो, और हमारे जो दलित भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार होते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी जबरदस्त लड़ाई संघर्ष हमने छोड़ रखा है। आज सारे देश के हज़ारों मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और फेसबुक में मैं लिखता हूँ, सबको गाइड करता रहता हूँ, सबको गाइड करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर गर्ग साहब तो पाँच बार जन कितनी बार MLA हुए हैं, मगर कमला नगर में मैं रहता हूँ, कमला नगर के अलावा शायद कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। ये जो या आपका जो चौगा नगला है और फलाना है, ये जो क्या है उधर जो बाबा साहब की अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगती है, क्या छिपी टोला है, ओफ कितनी गंदी चक्की पाट है, इतनी गंदी गलियां हैं, या मनटोला है, बदबू आती है। उसी तरह से अब केवल ये अच्छा एरिया है, JP नगर में आया, आप लोगों ने सम्मान दिया, यहाँ पर एक सज्जन थे उनको हमने पार्टी में बनाया भी था, वो बता रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई, क्या हो गया मुझे पता नहीं क्या हुआ, कोई सज्जन थे यहाँ पर, मैं देखूंगा रजिस्टर में, मैंने नाम रखा था। पहले बता रहा हूँ 2014 के करीब मैं आया था। 89 विधानसभा के लिए इस वक्त किसको खड़ा किया है आपने? हमने ये रोहित है ये खड़े हुए हैं और बड़े बहादुरी के साथ अपने सब लोगों से हाथ जोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं, और ये मेरा मैंने यही कहा कि धन ही नहीं है, केवल गरीब भी आदमी अपनी संघर्ष करना चाहे तो अच्छा है। कल हमारे डॉक्टर अम्बेडकर के नाम एक शाम थी, उसमें इनके मोहल्ले में बड़ा अच्छा रहा और सारे लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम इस गरीब आदमी के लड़के को
हर हालत में पूरे मोहल्ला लगा करके सब जगह जा जा के हम हाथ जोड़ेंगे और इनको जिताने का मौका देंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात होगी, मुझे विश्वास होगा, मुझे गर्व होगा अगर हमारे गरीब लोग अपने गरीब भाई को आगे MLA बनाएंगे। जय भीम, जय भारत। कॉलेज के 40 साल रहे हैं। हाँ सर, कैसा लग रहा है आपको रोहित जी खड़े हुए हैं? रोहित जी खड़े हो रहे हैं, हो गए हैं, हमें सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे बीच में से ही एक ये व्यक्ति ने हिम्मत करी कि खड़े हो जाए। हर सारे जो इनके फेवर में जो बातें हैं वो ये है कि गरीब व्यक्ति का सहयोग पूरा मिलना चाहिए सर, पूरे कम्युनिटी का, पूरे समाज का। अगर समाज जागृत हो जाए, इनको वोट दे दे तो निश्चित तौर से ये निकल आएंगे, जीत जाएंगे, यही हम चाहते हैं। क्योंकि सारा कारण ये है कि गरीबों का कोई नहीं है, जिस तरीके से मुद्दा इन्होंने बताया कि हम बेचारे जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, शोषित वर्ग हैं, उनका कोई मसीहा नहीं है, उनके बात को लेके चलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। हम देख रहे हैं कि वो एक तरीके से गुलामी में है और उनको बहुत कम पैसों में उनसे काम लिया जाता है, ना शोषण ही शोषण होता है, ना PF कट रहा है, ना मेडिकल है, ना उनको उचित तनख्वाह मिल रही है, उनको तो बस कर्जदार बना देते हैं, शराब पी लेते हैं। सर पॉलिटिकल बात करें तो कौन सी पार्टी से आपका? हम आदर्श समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। आदर्श समाज पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार को दूर करना, बाहुबल को दूर करना, पैसे के जो बोलबाला है उसको दूर करना, जो लोग करप्ट हैं, जो दागी हैं अपना, उनका उनको बहिष्कार करना और समाज के अंदर एक आदर्श व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, ये हमारी आदर्श समाज पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम किसी भी तरीके से आदर्श समाज पार्टी और पार्टियों की तरह नहीं है। आदर्श समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माल्यार्पण तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं पहुंचकर उत्तरी विधानसभा 89 से जो रोहित खड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करने पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंधेरा है, बट हम आपको दिखाना चाहते हैं, अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी है और रोहित कुमार यहाँ से प्रत्याशी हैं आदर्श समाज पार्टी के, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये माल्यार्पण करने जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। इनका मुद्दा है कि गरीबों की गरीबी हटाना, विधवाओं को सही पेंशन दिलाना, सही तरीके से सारी चीज़ों को लागू कराना। इनका कहना है कि पिछले बार जो विधायक रहे उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं करा, अब देखना ये होगा कि इस बार बन के कौन आएगा 89 विधानसभा उत्तर से, कौन बनकर आने वाला है, कौन किसका चेहरा इस बार नजर आने वाला है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ उमड़ चुकी है और रोहित के सपोर्ट में, आदर्श समाज पार्टी के सपोर्ट में कितने लोग नजर आ रहे हैं,